इजरायली फौज के राफा में घुसने से तबाही का तांडव शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां आसमान से इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू जेट्स हमास के ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास और उसकी सैन्य शाखाएं भी मैदान में डटकर खड़ी हुई हैं। जी हां, चाहे अल कासिम ब्रिगेड हो या फिर अल कुद्स ब्रिगेड, ये सभी एक साथ मिलकर इजरायली फौज पर टूट पड़े हैं। राफा पर जमीनी हमले में अब इजरायली फौज एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसकी असल वजह यह है कि जैसे जैसे इजरायल के टैंक और सैनिक राफा के भीतर घुसते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमास के लड़ाके उन पर गोले, रॉकेट्स और मिसाइल बरसा रहे हैं। और इसी कड़ी में राफा के पूर्व में जॉर्ज स्ट्रीट पर इजरायल के सैन्य वाहनों और मेरकावा टैंक्स पर हमास ने अलियासीन 105 रॉकेट बरसाए हैं। इसके अलावा राफा क्रॉसिंग पर भी जब इजरायली फौज घुसने की कोशिश कर रही थी, तभी अल कासिम ब्रिगेड ने उसे मोटर गोलों से दहला कर रख दिया। यहां तक कि राफा क्रॉसिंग के पास अल कासिम और अल कुद्स ब्रिगेड ने एक साथ मिलकर इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हैवी मोटर गोले दागे हैं। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके दूर खड़े इजरायली टैंक और सैन्य वाहन पर गोले दागते दिख रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी राफा के अल सलाम में अल कासिम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना पर अलियासीन 105 रॉकेट्स और शवाज विस्फोटक डिवाइस से हमला कर दिया। और इसी इलाके में अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल कासिम के साथ मिलकर इजरायल के एपीसी वाहन पर एक एंटी टैंक रॉकेट दाग दिया। आपको बता दें कि ये हमला राफा के पूर्वी सेमेट्री में हुआ है। वहीं जॉर्ज स्ट्रीट पर इजरायली सैनिकों पर हमले का अल कुद्स ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कई रॉकेट्स और 60 कैलिबर मोर्टार लॉन्चर में भरे नजर आ रहे हैं और फिर हमास का लड़ाका एकाएक इन्हें आईडीएफ की तरफ दाग देता है। इसके अलावा जबालिया में अल मुजाहिदीन ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली टैंक्स पर आरपीजी गोलों से हमला किया है। और इसी दौरान अल कासिम ब्रिगेड ने कहा कि उसने इजरायल के कम 13 सैन्य वाहनों पर हमला किया है। इनमें से 12 मेरकावा टैंक थे और एक D9 बुलडोजर था जो जबालिया कैंप में घुस रहे थे। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने इन सैन्य वाहनों पर अलियासीन 105 रॉकेट्स और P-29 गोले दागे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच अल कासिम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी एस्कलान पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया है। अल कासिम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें घनी हरियाली के बीच कई रॉकेट लॉन्चर तैनात नजर आ रहे हैं जिन्हें हमास का एक लड़ाका टाइमर लगाकर एस्कलान की तरफ दनादन दाग देता है। इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि गाजा एनवेलप सेटलमेंट्स में इन हमलों की वजह से हवाई हमलों के सायरन बज उठे थे। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में इन हमलों में आईडीएफ के 8 सैनिक और सेना के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति घायल हुआ है। इन सभी की हालत गंभीर है। आईडीएफ का कहना है कि हमले में घायल हुए कई जवान गिवाटी ब्रिगेड्स के हैं और 2 जवान गोलानी ब्रिगेड्स के हैं जो गाजा के बॉर्डर इलाके में तैनात थे, जबकि 2 जवान याहलोम यूनिट के हैं